यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। वेलकम टू हिंदी टेक फॉर ऑल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल रिंगटोन को आप कैसे बना सकते हैं जो कि किसी के नाम की हो सकती है या आप जो अपने हिसाब से सेटिंग करना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो मैं गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद गूगल खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है स्पीच मैक्स। यहाँ पे स्पीच मैक्स टाइप करना है और जैसे ही ओपन होता है तो सबसे पहले वाले लिंक पे हमको कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद में राइट साइड में साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे गूगल से साइन इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन किया हुआ है। तो जो भी आप रिंगटोन में लगाना चाहते हो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ, ये इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ और बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ना तब भी हिंदी में टाइप होगा। जैसे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, नीरज जी आपको कोई याद कर रहा है। अब यहाँ पे हमको नीचे आना है, नीचे आके हमको ये अगर आपको मेल वॉइस चाहिए तो इसको ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन वॉइस है तो मैं सेकंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लेना चाहता, तो मैं ऑलरेडी एक वॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ, ओनली एक वॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ जो मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पे क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑडियो आपको प्ले करके बता देगा। नीरज जी आपको कोई याद कर रहा है, ये एक एग्जांपल है, आपको अपने हिसाब से जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन। तो ये ऑडियो हमारा डाउनलोड हो चुका है, कंट्रोल जे करके देखते हैं और इसको यहाँ पे हम करते हैं प्ले। तो ये रहा मेरा वो ऑडियो। नीरज जी आपको कोई याद कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और ये सॉफ्टवेयर है अडोब ऑडिशन। तो मैं यहाँ पे 1.5 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, और साथ ही में हमारे पास एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होना चाहिए। अगर आप कोई गाना लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ कर रहा हूँ, और जो हमने रिंगटोन के लिए लिखा था वो साउंड का भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे एक फ़ाइल इनपुट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये रहा मेरा वो स्पीच मैक्स। तो यहाँ पे मैं इसको इनपुट कर लेता हूँ और ये रहा हमारा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको भी मैं यहाँ पे इनपुट कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड म्यूज़िक को यहाँ पे कॉपी करके ले आए हैं। अब इसमें हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमको अपने रिंगटोन में कितनी बार वो वर्ड बुलवाना है जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब हम बैकग्राउंड म्यूज़िक को यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ दिखाएगा, तो यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से इसको सेटिंग दिखाएगा। तो आप अपने हिसाब से अगर कोई सेटिंग करना तो कर सकते हैं, बस अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ओके कर
कर रहा हूँ। और अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। इसको यहाँ पे खिसका दिया हमने। अब हम स्पेस से इसको प्ले करके देखते हैं। नीरज जी, आपको कोई याद कर रहा है? तो क्योंकि अभी हमने एक ही बार यहाँ पे बुलवाया है तो एक ही बार बोलेगा, लेकिन अगर इसको आप जितनी बार बुलवाना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे माउस को लाके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिप डुप्लीकेट करके ऑप्शन मिलता है। ये रहा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको कितने क्लिप चाहिए। तो एक तो पहले से रहेगा, और जैसे हम अगर चार बार बुलवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे तीन टाइप करेंगे, क्योंकि एक पहले से रहेगा मेन और तीन जो है वो उसकी कॉपी बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चार कर देता हूँ, ठीक है, चार, ताकि ये पांच बार बन जाएगा, उतना हमको लिख देना है, देन हमको यहाँ पे ओके कर देना है। अब इसको कितनी दूरी पे एडजस्ट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में ही कर देता हूँ और एक यहाँ पे कर देते हैं, एक यहीं पे रहने देते हैं और एक यहाँ पे कर देते हैं। तो ये है, हो गया है अपना सेटिंग। नीरज जी, आपको कोई याद कर रहा है? नीरज जी, आपको कोई याद कर रहा है? नीरज जी, आपको कोई याद? तो ये हमारा काम हो गया है। अब हमको इसका एक मिक्स डाउन जो है क्रिएट करना है। इसके बाद हमको एक मिक्स डाउन क्रिएट करना होगा। तो मिक्स डाउन क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे एडिट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा मिक्स डाउन टू फाइल, और यहाँ पे जो है मिक्स डाउन टू फाइल, तो यहाँ पे ऑल ऑडियो क्लिप, और यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चलो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। मैं डेस्कटॉप में ही सेव कर रहा हूँ इसे। रिंगटोन फोल्डर के अंदर बन गया है। अब इसको हम, तो अब हमको इस मिक्स डाउन को कंट्रोल एस करके सेव करना है, और या फिर हम यहाँ पे ऑल्ट दबा के जो है भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे ये मिक्स डाउन डॉट mp3 सेव हो रहा है। तो हम यहाँ पे चाहे तो कुछ नाम भी रख सकते हैं, तो मैं अपना नाम यहाँ पर कर देता हूँ। ये सेव हो रहा है यहीं पे जहाँ पे हमने रिंगटोन में उसको सेव किया था। और अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ऑल्ट F4 से बंद कर देते हैं, या फिर माउस से भी बंद कर सकते हैं। और अब हम ये रिंगटोन आपको प्ले करके दिखा देते हैं। नीरज जी, आपको कोई याद कर रहा है? नीरज जी, आपको कोई याद कर रहा है? तो इस तरह से आप एक प्रोफेशनल रिंगटोन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।